Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by Perfotex Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 30. In this video session guys, we will discuss about the basic difference between reference type values and the primitive type values. And also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions that we have made under the playlist called Vue.js tutorial from scratch. सो बेसिकली गाइज अगर आपने वीडियो सेशन अगर यहीं से स्टार्ट करी है मीन्स इफ दिस इज योर फर्स्ट वीडियो दैन आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट यू टू वॉच आवर प्रीवियस वीडियो सेशंस वेयर वी हैड डिस्कस्ड सेवरल थिंग्स इन व्यू सीएलआई ओके जहाँ पर हमने काफ़ी कुछ देखा हुआ है अपने व्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में सारे बेसिक चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है सो एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ व्हाट इज़ अ रेफरेंस टाइप एंड अ प्रिमिटिव टाइप ओके सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो सेशन गाइज वी विल मेक द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर सो ये रही गाइज हमारी वो व्यू सी एल आई प्रोजेक्ट जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ओके सो प्रीवियस वीडियो सेशंस में गाइज ये रही वो एच टी एम एल पेज जो कि हमने कन्वर्ट किया हुआ है अपने व्यू सी एल आई पेज के अकॉर्डिंग इस पेज को डेवलप करने के लिए गाइज हमने कुछ कंपोनेंट्स बनाए थे लाइक कंटेंट डॉट व्यू फुटर डॉट व्यू एंड हेडर डॉट व्यू एंड काफ़ी कुछ सेटिंग्स एंड कॉन्फिगरेशन करी थी हमने उस पेज को कन्वर्ट करने के दौरान ओके सो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है गाइज दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज So basically guys to understand the clear concept about these two things let's have a look take a scenario okay iske pehle wale video sessions mein guys humne props ke bare mein discussion kiya tha okay jahan par ek component dusre component ko data transfer karta ho suppose hum koi data transfer kar rahe ho apne app component means root component ke through apne child component pe aur suppose us jo data jo humne transfer kiya hua hai basically it transfers into two components means जो ऐप कंपोनेंट है वो डेटा हमारे दो चाइल्ड कंपोनेंट्स को ट्रांसफ़र किया ओके ट्रांसफ़र करने के बाद अगर वो डेटा अगर किसी मीन्स चाइल्ड कंपोनेंट के जरिए अगर वो चेंज कर दी जाती है तो वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी हमारे दूसरे कंपोनेंट पे दिस इज़ कॉल्ड द रेफरेंस टाइप जहाँ पर हम वैल्यू मॉडिफिकेशन डायरेक्ट रेफरेंस बेसिस पे करते हैं एंड बेसिकली रेफरेंस एक्चुअली कंटेन्स द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज ओके सपोज वी आर सेंडिंग अ कॉमन वैल्यू टू टू कंपोनेंट्स बाई अ पैरेंट कंपोनेंट बट द वैल्यू सपोज टू बी चेंज बाई वन कंपोनेंट दैन द अपडेटेड वैल्यू गेट्स रिफ्लेक्टेड टू आर अनदर कंपोनेंट दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस टाइप बट जो प्रिमिटिव टाइप होती है गाइज वो अगर हमारे पेरेंट कंपोनेंट अगर किसी चाइल्ड कंपोनेंट को ट्रांसफर करती है सो वैल्यू अपडेट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है हमारी दूसरी कंपोनेंट पे सो एक्चुअली हाउ कैन वी अकॉम्प्लिश दिस टास्क बाय एन एक्शन ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर आई एम गोइंग टू मेक अ कंपोनेंट लाइक स्टूडेंट्स ओके लेट्स मेक स्टूडेंट्स और स्टूडेंट डॉट व्यू दिस इज द कंपोनेंट दैट आई हैव मेड ओके नेक्स्ट कंपोनेंट है गाइज ये हमारे कंटेंट व्यू है जो कि हम कंटेंट रेंडर के लिए यूज कर रहे हैं और बेसिकली दिस इज द कंटेंट डॉट व्यू रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले ऑल दिस थिंग्स राइट हियर ओके सो हम क्या करेंगे गाइज कि हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है दैट इज ऐप डॉट व्यू इस ऐप डॉट व्यू के जरिए हम कुछ डेटा सेंड करेंगे लाइक स्टूडेंट डॉट व्यू एंड कंटेंट डॉट व्यू को ओके सो लेट्स पास डेटा So before sending, let's define some of the datas. Okay, so मैं यहाँ define करूँगा let's say that students. Okay, it contains the array of the student name. Let's say that. Okay, there are few students guys that I have actually mentioned in this student list. Okay, इस students जो कि array है हमारी इस array of values को मैं pass करूँगा अपने दोनों components पर like student dot view and the content dot view. So let's say that we bind and this is the students list that we are passing. Okay, this is the prop name. Okay, and this is the value. Okay, this is the value that we have defined right here. ओके ये वैल्यू हमने डिफाइन किया हुआ एंड दिस इज द प्रॉप नेम ओके वी आर सेंडिंग टू द कंटेंट डॉट व्यू और स्टूडेंट डॉट व्यू अब मैं इस प्रॉप वैल्यू को रिसीव करूंगा अपने कंटेंट डॉट व्यू को ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल गो टू कंटेंट डॉट व्यू एंड नाउ इनसाइड दिस प्रॉप्स जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में कवर किया हुआ था अब मैं करूंगा लाइक स्टूडेंट्स बेसिकली दिस इज द प्रॉप नेम दैट वी आर रिसीविंग राइट हेयर ओके सो लेट्स से दैट दिस इज टाइप एरे ओके Next what we have to do, we have to actually render all these datas right here. Okay, so मैं क्या करूँगा So let's say that h2, let's say that student list. Okay, just make ul tag, let's say ul. Within this ul, let's define li tag. Okay, so let's say that li.
let's say V for student in students. ओके उसके बाद मैं स्टूडेंट को डिफाइन करने वाला हूँ. सो लेट्स से दैट स्टूडेंट. ओके सो मैं अगर इस फाइल को सेव कर दूँ, ब्राउजर पे जाऊँ, एंड नाउ वी हैव एन एरर. एंड एरर इज समथिंग दैट वी हैव एक्चुअली मिस्ड आउट दिस कॉमा हेयर. ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर, एंड नाउ वी नीड टू डिफाइन अ कॉमा हेयर. ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल, एंड नाउ दीज आर द स्टूडेंट्स गाइस दैट वी हैव लिस्टेड एज यू कैन सी. ओके सो हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे जहाँ पर हम स्टूडेंट लिस्ट को रेंडर करने वाले हैं. ओके सो जस्ट बैक टू एडिटर. Now inside this students.view, first we need to define these all these things. Okay, so just I'm going to copy all these things from content.view and paste it here. Okay, जहाँ पर हम unnecessary चीज़ों को remove करेंगे. So let's say that अगर मैं remove कर दूँ, suppose call one, इन सारी चीज़ों को अगर मैं remove कर दूँ inside these props, also I'm going to remove all these things, and also let's remove all these things from here. Okay. So basically we are going to define our students list. Okay, so here is list, students list. Okay, ये student list guys जो कि हम retrieve करने वाले हैं, access करने वाले हैं, this is somewhere called, अगर मैं इसे remove कर दूँ, so just get rid of that. अब इस student.view को guys मैं import करूँगा अपने app.view पर. Okay, so just I'm going to copy this line and paste here. Okay. So let's see that a student from components, this refers to the current directory. Current directory ke andar hamari components folder ke andar right here, and now the file is called student.view. Okay, so let's see that student.view. So just scroll down and we have to define a tag, let's say that OWT student. सो बेसिकली गाइज इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो देन आई कैन थिंक दैट आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी. सो आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो सेशन को प्रीफर कर सकते हो जहाँ पर हमने इसके स्क्रैच से स्टार्टिंग किया हुआ था, बिल्कुल स्टार्टिंग से. ओके सो अब मैं क्या करूँगा, इस टैग को डिफाइन करूँगा. सो जस्ट कॉपी ओ डब्ल्यू टी स्टूडेंट, गो हेयर एंड लेट्स सी दैट ओ डब्ल्यू टी स्टूडेंट एंड जस्ट क्लोज दिस टैग. ओके अब इस स्टूडेंट डॉट व्यू पे गाइज हम एक स्टूडेंट लिस्ट को रेंडर करने वाले हैं, मीन्स स्टूडेंट प्रॉप को सेंड करने वाले हैं. ओके सो लेट्स सी दैट स्टूडेंट्स, दिस शुड बी टाइप इक्वल टू एरे. ओके और इस स्टूडेंट्स प्रॉप को हम सेंड करने वाले हैं अपने ऐप डॉट व्यू के से. ओके सो लेट्स सी दैट वी बाइंड दिस इज स्टूडेंट्स एज द प्रॉप नेम एंड दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव डिफाइंड. ओके ये स्टूडेंट्स वैल्यू गाइज जो कि हमने डिफाइन किया हुआ राइट हेयर. ओके सो वी आर सेंडिंग एज द प्रॉप नेम. ओके सो हमने उसे रिसीव किया हुआ समथिंग लाइक हेयर, एंड नाउ वी हैव टू लिस्ट रेंडर. सो लेट्स सी दैट यू एल एल आई. ओके एंड लेट्स सी दैट वी फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स. ओके सो जस्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन लेट्स सी दैट स्टूडेंट. ओके सो अगर मैं सारे फाइलों को सेव कर दूं गाइस, अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, सो एज यू कैन सी दैट दिस इज द कंटेंट डॉट व्यू. ओके ये रही हमारी कंटेंट डॉट व्यू, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द स्टूडेंट डॉट व्यू. ओके सेम डेटा हमने ट्रांसफर किया हुआ अपने दोनों कंपोनेंट पे, अपने ऐप डॉट व्यू पे, दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल दीज स्टूडेंट्स एज द लिस्ट. ओके सो अब बेसिकली गाइज हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिफाइन अ बटन टू डिलीट एनी स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस लिस्ट. ओके हम इस लिस्ट में उस स्टूडेंट को डिलीट करने के लिए एक बटन क्रिएट करेंगे. ओके सो जस्ट गो टू कंटेंट डॉट व्यू, लेट्स डिफाइन अ बटन हेयर एंड लेट्स सी दैट बटन डिलीट स्टूडेंट. ओके सो लेट्स डिफाइन इवेंट हैंडलर कॉल्ड वी ऑन क्लिक, लेट्स सी दैट डिलीट स्टूडेंट. ओके नेक्स्ट वी नीड टू डिफाइन दिस फंक्शन. सो जस्ट कॉपी द फंक्शन नेम, गो इनसाइड मेथड्स एंड लेट्स सी दैट डिलीट स्टूडेंट फंक्शन. सो बेसिकली गाइज वी आर गेटिंग द स्टूडेंट्स इनटू दिस स्टूडेंट्स एरे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिलीट दैट इन फ्रॉम दिस स्टूडेंट लिस्ट. ओके सो बेसिकली वी हैव टू डू लेट्स सी दैट दिस डॉट स्टूडेंट्स, and basically this dot students refers to the property that we are getting from app.view. okay dot pop method, basically pop method deletes one element from the last position.
So just save this file, go to browser and reload this page. Once we reload, when I click on delete, as you can see that Visa student has been gone, and also Visa has gone from this list also. Okay, humne us student ko is list se delete kiya, and also it is actually deleted from this list too. Okay, again going to click on delete student, and as we can see, a student has been deleted from these two lists as well. Okay, so this is the very basic example of guys reference type values. जहाँ पर हमने अपने किसी भी एलिमेंट को में से डिलीट किया है अपने उस वैल्यू से, उस एरे से, एंड एरे इज़ बेसिकली रेफरेंस टाइप. उस वैल्यू को डिलीट हमने एरे से नहीं, हमने उसके रेफरेंस से की है. सो दैट्स वाई अगर हम किसी भी स्टूडेंट को अगर यहाँ से डिलीट करें, इट इज़ ऑटोमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम दिस लिस्ट. But in case when we discuss about the primitive type values, then it does not reflect back. Okay, agar hum koi primitive type value agar hum transfer kare apne dono components means our content.view as well as our student.view, to agar hum us value ko yahan par update kare, then it does not update it to this list, because primitive guys jo value hoti hain us value ko update karte hain, na ki uska reference ko. And the value that actually we update the reference are called the reference type values. So just back to editor. And let's make the clear concept about the primitive type values. Okay, तो मैं क्या करूँगा guys, एक और variable हम declare करने वाले हैं, something let's say that some message. Okay, ये एक variable है guys जो कि हमने define किया हुआ, and it's contain a simple message. Let's say simple message defined here. इस value को guys हम pass करने वाले हैं अपने दोनों components पे, like content.view and student.view. So let's say that we bind, and let's say that some message, or instead of some message, let's say simple message. It's simple message. Okay, and this is the value that we have defined. So मैं इसे copy करूँगा और अपने student.view पे मैं pass करूँगा. Okay, so to receive this value from our these students, so just copy this name, prop name. Just I'm going to copy, go to content.view, and first of all we have to receive that. Okay, so let's define here. It is simple message. So just remove hyphen symbol and capital M for the camel case. Okay, so मैं क्या करूँगा यहाँ पर comma separated करूँगा, and now inside this simple message the type should be string, because we are actually receiving the string value. Okay, इसी property को मैं copy करूँगा और मैं जाऊँगा student.view पे, because we are receiving here as a alval. So let's define here also. सो सक्सेसफुली गाइज हमने उस वेरिएबल को जो कि हमने पास किया हुआ अपने ऐप डॉट व्यू से, वी आर रिसीविंग फ्रॉम स्टूडेंट डॉट व्यू एज वेल एज कंटेंट डॉट व्यू. ओके, सो इस वेरिएबल को एक्चुअली हियर इज कोलन मिस वी हैव मिस्ड, एंड ऑल्सो कोलन सिंबल हियर वी हैव मिस्ड. ओके, सो जस्ट कॉपी दिस नेम, गो इन साइड द कंटेंट सेक्शन, एंड लेट्स सी दैट एच टू और एच थ्री, लेट्स सी दैट सिंपल message. Okay, and this is the variable called simple message. Okay, so just I'm going to copy, paste it inside student.view. If we save all these files, go to browser, go to this page, and now as we can see that this is the message, like simple message defined here and simple message defined here. These two messages guys actually we have supplied from our app.view. Okay, and this is content.view, and this is student.view. So why not we are going to make a button inside our student.view to update this message. Okay, so just back to editor, go inside a student.view, and let's I'm going to make a button. So let's say that button, let's say that update message. Okay, and just I'm going to bind with v on click event listener. So let's say that v on, let's say that update message. Okay, so just copy this name. This is the function name we need to define inside this method section. Okay, so basically this is a function. So let's say that function, inside the update message function guys, we are going to update our simple message. So basically this dot simple message refers to the property value that we have passed inside app.view. Okay, so we are going to update this message. So let's say that simple message has been updated. Okay, so just save this file, go to browser and reload this page. So once we click this button,
As we can see that the simple message has been updated only for the student.view, not for the content.view section. But when we delete any student, as we can see, the student has been removed from these two views. So this is the very basic concept about the primitive type values and the reference type values. Jab bhi hum kisi values ko reference type values ko update karte hain, basically it will be updated everywhere actually where we have used. But jo primitive values hoti hain guys, wo usi particular component ke liye update hoti hai jahan hum use update karte hain. So just back to editor. So basically guys, this is the primitive value. Okay, jahan par humne is primitive value ko update kiya hua, this value updated actually for the student.view component. But jahan par humne content.view pe jahan par humne use delete kiya hua deleted student, it does not deleted from this list, it deleted from its reference. Aur wo reference guys hum student.view mein bhi use kar rahe hain, so that's why it is reflecting here also. So basically guys, by the help of this video session, we actually understood about the reference type values and the primitive type values. Reference type values mein guys, humne ye dekha ki agar array variable agar humne apne parent component se kisi child component ko agar pass kiya hua hai, and now if any child component actually update the value of reference type values, then that value actually reflected to all those components. But agar primitive type ki baat ki jaye, to humne dekha guys ki agar string value humne agar child component ko pass ki hai, agar koi ek child component agar us value ko update karta hai, then it does not reflected to anywhere on another components. So I hope guys that by the help of this video session, I have made much more clear concept about these two values. Okay, so if you have any doubt, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.